आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज खबरों की सच्चाई तक नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज मैं हूं आपके साथ अंजलि हम आपके हमेशा एक खास मुलाकात कराते हैं और आज हमारे बीच में एक ऐसा चेहरा है जो कि पूरी दुनिया उनको जानती है हमारे बीच में मौजूद है अमिका शैल अमिका शैल जी सबसे पहले आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज पर स्वागत है थैंक यू सो मच थैंक यू अमिका जी मैं आ, चाहूंगी कि आप खुद ही अपना थोड़ा सा परिचय सभी दर्शकों को दें उत्तराखंड लाइव न्यूज पर बिकॉज आपने जो शुरुआत की थी एक म्यूजिक से की थी और आज, आज आप इतने बड़े मुकाम पर हैं तो मैं चाहूंगी कि जो आपका शुरुआती पल रहा है वो थोड़ा सा आप उत्तराखंड लाइव न्यूज पर शेयर करें बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने अपनी बचपन से ही मेरे घर में म्यूज़िक का माहौल था और मम्मी म्यूज मतलब सिंगर थी तो उन्हीं से ये इंस्पिरेशन आई कि सिंगर बनने का और बिंगा बंगाली कोलकाता में तो हर घर में आपको कोई ना कोई आर्टिस्ट मिलेगा सिंगर मिलेगा डांसर मिलेगा पेंटर मिलेगा तो मैं सिंगिंग में थी और उसके बाद मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में फिर तो बचपन से ये म्यूज़िक की जर्नी चालू है मेरी एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ किया जैसे स्टार वॉइस ऑफ इंडिया सारे गामापा एंड भारत की शान थ्री तो मुंबई और कोलकाता की जर्नी बचपन से ही मेरी शुरू थी इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने मुंबई शिफ्ट करने का फ़ैसला लिया और प्लेबैक सिंगर बनने का सपना देख के मैं मुंबई आई और फाइनली मुझे वेडिंग एनिवर्सरी मूवी में पहला सॉन्ग मिला जो इत्फाकन सॉन्ग का नाम है सो so, उसमें नाना पटेकर जी और माही गिल जी थे एंड उसके बाद मैंने खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया जिनमें काफ़ी सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स और कवर सॉन्ग हैं एंड फाइनली एक uh, सीरियल के लिए मुझे ऑफर आया जिनको एक म्यूजिशियन uh, एक्टर चाहिए था जो एक म्यूज़िशियन भी हो एक्टिंग भी थोड़ा बहुत कर लेती हो तो so, उसके ऑडिशन में मैं गई थी लेकिन uh, उस टाइम पे सिलेक्ट तो नहीं हुई थी बिकॉज uh, मैं उस टाइम पे रेडी नहीं थी एज एन एक्टर मैं बहुत मोटी थी एंड एक्टिंग भी नहीं आती थी मुझे लेकिन uh, वहाँ से मुझे कहीं कही ना कहीं लगा कि आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर मोर इन लाइफ अगर मुंबई में हूँ अगर इंडस्ट्री में हूँ तो आई थिंक uh, अगर लोग मुझे कंसिडर कर रहे हैं एज एन एक्टर तो मुझे और कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए ज़िंदगी में और आगे बढ़नी चाहिए तो फिर मैंने खुद को तैयार किया उसके हिसाब से एंड टीवी के लिए मैंने ऑडिशन शुरू की और मुझे पहला शो मिला उड़ान करके जो कलर्स पे आता था सो वहीं से मेरी एन एक्टर की जर्नी शुरू हुई बिल्कुल मैम मैम जिस तरीके से आपने टी वी लाइन में आपने यहाँ पर अपने किरदार निभाए उसके बाद ही आप लगातार कुछ फिल्मों में भी नजर आई हैं तो किन किन फिल्मों से आपकी शुरुआत रही है कैसे कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में सभी दर्शकों से शेयर करें। जी तो एक्टिंग जब मैंने शुरू की एकदम इनिशियल स्टेज पे ही मुझे दो बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट मिल गए थे जो थे मिर्जापुर टू जिसमें मैंने तितर बितर करके एक सॉन्ग परफॉर्म किया था और लक्ष्मी बॉम्ब जिन्हों जिसमें अक्षय कुमार और के आर अडवाणी जी थे और तो ये दो प्रोजेक्ट्स मेरे करियर के शुरुआत में मुझे काफ़ी हेल्प किया था क्योंकि वो एकदम एक्टिंग की शुरुआत में ही मुझे मिली थी और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ बिकॉज़ गॉड हैज़ बिन टू काइंड कि एकदम शुरुआत में मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली और उसके वजह से मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आने लगे क्योंकि लोग मुझे जानने लगे थे तो बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं न्यू हूँ लोग इतने अच्छे थे एक्टर्स इतने को एक्टर्स इतने अच्छे थे तो काफ़ी मज़ा आया वो दो प्रोजेक्ट्स में परफॉर्म करके बिल्कुल अमाम कुछ जो मूवीज़ हैं जैसे कि आपके अभी अक्षय कुमार जी के साथ हैं या कई और मूवीज़ भी हैं कौन कौन सी मूवीज़ रही हैं आपने जो किरदार निभाए हैं और आगे भी किन किन मूवीज़ में आप काम कर रही हैं उसके बारे में मैंने लक्ष्मी बाम एंड मिर्ज़ापुर टू के अलावा मैंने छत्तीस और मैना करके हॉट स्टार में एक सीरीज़ की थी उसमें बहुत ही अच्छा फंकी कैरेक्टर था धानी करके और उसमें काफ़ी मज़ा आया मुझे परफॉर्म करके बहुत ही चुलबुली कैरेक्टर थी डांसर थी इसके अलावा मैं अभी देर इज़ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स जो अभी रिलीज़ होने वाले हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट से है रंगबाज़ वॉन्टेड जिसमें मैंने एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले किया है बहुत मज़ा आया वो कैरेक्टर प्ले करके क्योंकि पॉलिटिशियन का कैरेक्टर ऐसा यूनिक कैरेक्टर मैंने कभी आज तक प्ले नहीं किया था और उसके अलावा मैंने एक डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह के लिए फिल्म किया है फिल्म का नाम है डॉग जो मैंने रिसेंटली मनाली में शूट किया है बर्फ़ में शॉर्ट्स में एकदम मतलब ला, लाइक ला, प्रॉपर एकदम स्वेटर वेटर के अलावा हमने शूट किया है तो बड़ा मज़ा आया बहुत चैलेंजिंग मूवी थी और इसके अलावा मैं अभी मसूरी में एक और फिल्म शूट कर रही हूँ डायरेक्टर हृदयी शेट्टी के लिए आ, बहुत मज़ा आ रहा है मसूरी घूमी देहरादून घूम रही हूँ तो फिल्म के दौरान मसूरी और देहरादून का पूरा टूर हो रहा है मेरा तो काफ़ी मज़ा आ रहा है कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका बिकॉज आज आप उत्तराखंड के अंदर हैं और देहरादून में आप फिलहाल अभी आप हमारी जो मुलाकात हो रही है आपसे अभी फ़िलहाल हम देहरादून में हैं बिल्कुल तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है क्योंकि आई थिंक आप पहली बार आज देहरादून आई हैं उत्तराखंड आई हैं तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है क्या है सभी दर्शकों को आप शेयर करें मैम बहुत बढ़िया क्योंकि मैं पहली बार देहरादून आई हूँ और पहली बार में ही मैंने मनाली भी घूम ली देहरादून भी घूम ली मसूरी भी घूम ली मतलब एक पूरा नॉर्थ का ट्रिप हो गया मेरा जो मैं पहले कभी नहीं आई इस तरफ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है काम में बिज़ी रहती हूँ लेकिन काम नहीं मुझे यहाँ पर लाया और यहाँ के लोग तो माशा बहुत अच्छे हैं दे आर वेरी पोलाइट इवन जो हमारा प्रोडक्शन है मसूरी बॉयज़ में वो देहरादून से ही है तो दे आर सो गुड सो प्रोफेशनल लोग स्पॉट दादा से लेकर टेक्नीशियन से लेकर लाइटमैन से लेकर एवरी ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि मैं दूसरे शहर में हूँ एंड लोग हमारे साथ अच्छे बिहेव नहीं कर रहे रूड बिहेव कर रहे जब जो मांगती हूँ मिल जाता है तो बिंग एन आर्टिस्ट बहुत अच्छा लगता है जब आपको रेस्पेक्ट दिया जाता है जब आपके साथ अच्छे से बिहेव किया जाता है क्योंकि हम कैमरा के सामने वाले लोग हैं तो कैमरा के पीछे वाले लोग जब आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे वो दिखता है कैमरा पे तो देहरादून के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी पोलाइट है बिल्कुल मैम मैम अभी आपने जिस तरीके से बताया कि आपका एक YouTube चैनल है तो बिकॉज हम सभी चाहेंगे कि सभी दर्शकों को पता चले कि आपका जो YouTube चैनल है वो किस नाम से है YouTube चैनल का नाम है अमिका द हंड्रेड तो ये चैनल मैं तो काफ़ी सालों से चला हूँ ये मतलब सिंगिंग के टाइम से मैंने क्रिएट किया था और उसमें काफ़ी सारा लाइक कवर सॉन्ग है काफ़ी सारे फेमस कवर सॉन्ग्स हैं अभी भी मतलब कोई भी बॉलीवुड गाने को टाइप करके कवर सॉन्ग लिखते हैं तो मेरा सॉन्ग ऊपर आता है सो so, काफ़ी सारे हिट कवर सॉन्ग्स हैं काफ़ी सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स मैंने इस चैनल पर रिलीज़ किया है तो यूट्यूब ने मुझे काफ़ी मेरे करियर के पाथ में काफ़ी हेल्प किया है आगे बढ़ने के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे यूट्यूब के थ्रू पहचाना है इवन जो शो मेरे पास आया था टी के लिए पहला ऑडिशन वो भी यूट्यूब से ही आया था बिल्कुल अच्छा मैम कभी आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मुकाम आया या कोई ऐसी कभी आप ऐसा कहीं कश्म कश में फंसे कि आज मतलब डिमोटिवेशन जैसे कहीं से मिल रहा हो आपको कि यार नहीं शायद मैं अब ये नहीं कर पाऊंगी पर वहाँ पे अचानक आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं आप कर गई कुछ ऐसा कभी कोई कोई ऐसा इंसिडेंट कभी कुछ रहा है देखिए हमारा जो फील्ड है ना वो डीमोटिवेशन से जुड़ी हुई फील्ड है अगर आप यहाँ पे पेशेंस नहीं रखोगे रखोगे कॉन्स कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो फिर आप इस फील्ड में रहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आपका कोई नाइन टू नाइन जॉब नहीं है ये फील्ड ही ऐसा है कि आपको पेशेंटली कंसिस्टेंटली विदाउट विदाउट डीमोटिवेट हो के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर मोमेंट पे हर एक सेकंड पे आपको यहाँ पे डीमोटिवेशन मिलेगी चाहे वो फैमिली मेम्बर से हो चाहे वो फ्रेंड्स से हो चाहे वो काम के लोगों से हो जैसे कि मैंने इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं जब मैंने शुरुआत किया था अभी भी देती हूँ इवन तो काफ़ी रिजेक्शन आए हैं मेरे पास कि हो ही नहीं रहा है कोई शो में ब्रेक ही नहीं मिल रहा है लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हो नहीं रहा है तो मैं बंद कर दूंगी मैंने उसको मोटिवेशन लिया कि ओके ये नहीं हुआ तो कोई दूसरा होगा मैंने अगर वैसा कहा जाए तो मैंने थाउजेंड ऑडिशंस देके तब जाके मुझे उड़ान शो मिला तो अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे एक दो ऑडिशन के बाद फिर तो आपने ना ही कर दिया ना क्योंकि ना के बाद ही हाँ होता है तभी मज़ा आता है कुछ काम करने बिल्कुल मैम अब मैम उन लोगों के लिए जो लोग कभी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आने पर डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है और लोगों को मैसेज जाना भी चाहिए तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आ, आ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आ, वैसे ही डीमोटिवेट मोटिवेट कब मतलब ना हुआ कीजिए हमेशा मोटिवेट रहा कीजिए पॉजिटिव एनर्जी रखा कीजिए अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लोगों को भी दिया कीजिए ताकि आपके माहौल भी पॉजिटिव बना रहे हर वक्त अपने माहौल अपने दोस्त पॉजिटिव वाले रखा कीजिए ताकि आप खुद वो फाइब में रहें अच्छा काम कर पाए जब आप सोचोगे यहाँ से तभी जाके आपका यूनिवर्स आपकी सुनेगी तो अच्छे माहौल में रहा कीजिए और देर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस फील्ड अगर मैं बिंग एन आर्टिस्ट बोलूँ तो जो लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट से लोग आगे जाते तो मैं यही कहना चाहूँगी अगर शॉर्टकट में एक दिन में ओवरनाइट में कोई स्टार बनता तो वो ओवर नाइट में नीचे भी आता है तो अगर आप सीढ़ियों से जाओगे तो वो सीढ़ी कभी ख़त्म नहीं होगी बिल्कुल मैम बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आप आए और लोगों को जो आपने मोटिवेशन दिया मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है बिकॉज आप उत्तराखंड घूमी हैं देहरादून घूमी हैं सभी लोगों को उत्तराखंड और देहरादून से रिलेटेड क्या मैसेज देंगी आप यही मैसेज देना चाहूँगी थैंक यू सो मच उत्तराखंड थैंक यू सो मच मसूरी थैंक यू सो मच मनाली वाले पीपल थैंक यू सो मच देहरादून वाले लोग जिन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया इतनी अच्छी मैंने दो मूवी का शूट कर लिया यहाँ पे तो और मैं चाहूँगी कि आप इस मूवी को देखिए मसूरी बॉयस जो बहुत जल्दी आने वाला है आ, बस यही कहना चाहूँगी चलिए थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच आपने देखा सीधा हमने आपकी खास मुलाकात कराई और आज किस तरीके से उन्होंने बताया कि लाइफ में हमेशा डिमोटिवेट हमको कहीं कही ना कहीं मिलता है पर हमें अपनी सोच से हमें हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है बरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी अपनी सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की ये खास रिपोर्ट